केसर प्राइम टाइम बुलेटिन। 1984 सिख दंगा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई सजा, दोषी यशपाल को फांसी की सजा जबकि नरेश सहरावत को मिली उम्र कैद। कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 6 बजे तक तकरीबन 72% पड़े वोट। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री चैम्बर के बाहर एक शख्स ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर किया मिर्च पाउडर से हमला, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ठहराया दोषी। जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 71.1% हुआ मतदान, 24 नवंबर को होगा तीसरे चरण का मतदान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बड़ा ऐलान, कहा 2019 में नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, पार्टी की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। देखिए वैसे तो पार्टी तय करती है लेकिन मैंने अपना मत बना दिया कि मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह की संचालिका मधु कुमारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने भी किया सरेंडर। कुडनी इलाके से डॉक्टर अश्वनी कुमार को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 अंकों की तो वहीं निफ्टी में 100 अंकों की दर्ज की गई गिरावट। विश्व महिला मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में पहुंची एमसी मैरी कॉम, मनीषा मौन को करना पड़ा हार का सामना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बेनक्राफ्ट की सजा को रखा बरकरार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में गेंद से छेड़छाड़ करने की मिली सजा। यूपी के 1398 किसानों का 4,05,00,000 रुपए का कर्ज चुकाएंगे अमिताभ बच्चन, 70 किसानों को लखनऊ से मुंबई लाने के लिए बुक कराया रेलवे का एक कोच। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को दिया करारा झटका, यूएस मेक्सिको बॉर्डर से शरणार्थियों की एंट्री पर रोक नहीं। हम हैं हिंदुस्तान समाचार, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।